राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयए आणि ईडीने महाराष्ट्रासह केरळ तामिळनाडू आणि कर्नाटकसह 10 राज्यांमध्ये छापेमारी केली आहे. पुण्यातल्या कोंढवा परिसरासह नवी मुंबई भिवंडी कोल्हापूर परभणीमध्ये पीआयएफच्या कार्यालयांवर सध्या ईडी आणि एनआयए कडून झाडाझडती सुरू आहे. नवी मुंबईच्या नेरूळ परिसरातील दारावे गावात पीआयएफच्या कार्यालयावर धाड पडली आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातून 20 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. देशभरातल्या अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयए आणि ईडी कडून छापेमारी सुरू आहे. पुण्यातील कोंढवा परिसरासह नवी मुंबई भिवंडी कोल्हापूर परभणीमध्ये पीआयएफच्या कार्यालयांची सध्या ईडी आणि एनआयए कडून झाडाझडती सुरू आहे. 11 राज्यांमध्ये एनआयए आणि ईडीचे हे धाडसत्र सध्या सुरू आहे. तर महाराष्ट्रात पीआयएफ वर कुठे कुठे धाडी पडल्या आहेत पाहूयात नकाशावर. पुण्यामध्ये मालेगाव नाशिकच्या मालेगाव मध्ये सुद्धा सध्या धाडसत्र सुरू आहे. औरंगाबाद कोल्हापूर नवी मुंबई तर कोंढवा परिसरामध्ये एनआयएनं छापेमारी केली आहे. या संदर्भात स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधी प्राची कुलकर्णी यांनी. ते कार्यकर्ते आपल्या सोबत आहेत. मुझे बताइए कब आए थे आपके यहाँ पे और क्या बोल रहे थे आपको जब लेके गए. एक्चुअली मेरे घर पर नहीं आए थे. दे वेंट टू एन ऑफिस जो हम पहले रेंट किया करते थे 2 महीने पहले वहाँ पर आए थे. तो मैं खुद वहाँ पर गया था ऑफिस के ऊपर. सुबह करीबन 4 बजे वहाँ पर आए थे वो एनआईए के ऑफिस चेक करने के लिए कि कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है. जैसे हमने 2 महीने पहले वो ऑफिस लेफ्ट किया था कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं था हमारा. हम लोग करीबन 5 लोग को डिटेन किया गया था जिसमें 2 लोग को अरेस्ट किया गया है. इसमें एक रज़ी अहमद खान साहब है और अब्दुल करीम खान साहब है. ये दोनों को अरेस्ट करके लेकर गया है और मुझे और एक रफीक शेख करके थे उन्हें और एक अरशद करके थे उन्हें छोड़ा गया है. मैम ये एलिगेशंस टोटली फेक एलिगेशंस है और हम इसको कंडम करते हैं. इनका एक पॉलिटिकल स्टंट है. ये स्टंट को ये लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉलिटिकली बताने के लिए कंट्री के लिए क्या 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 कुछ है नहीं. तो इसके लिए एक एस्केप गोट चाहिए, एक बलि का बकरा चाहिए. वो बलि का बकरा ये लोग के लिए पीएफआई है. अभी पूना के अंदर देखो ऐसे बच्चों को उठाए जिन्होंने कोविड के अंदर माँ बाप जब इंतकाल होता था कोविड से तो घर वाले कोई क्लेम नहीं करते थे. ये पॉपुलर फ्रंट के जवान जवान बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डाल के उनका अंतिम संस्कार किया. उन लोग मुसलमान है तो उनको दफनाया. अभी इस बिल्डिंग को कह दिया कि पॉपुलर फ्रंट की बिल्डिंग पॉपुलर फ्रंट की ऑफिस. आज तक न कभी तो झंडा लगा, आज तक न कभी तो बोर्ड लगा. और यहाँ भी तब सुबह 3 बजे उठ के पूरे कोंढवा परेशान है इधर कि सुबह 3 बजे उठ के उठा के लेके गए. अभी कोल्हापुर में जिसको उठाए अभी हिंदू घर के बाहर लगा था ओम, कोई लगा था वेलकम. अब उसने लगाया माशाल्लाह. तो नेशनल टीवी जी टीवी पे जैसा बताया जा रहा कि देखो बोले इसके घर के ऊपर बोले दरवाजे पे माशाल्लाह लिखा हुआ है. ये कोई बात होगी तुम क्या मैसेज देना चाह रहे थे देशवासियों को. कैमरामैन आदर्श कटके सह प्राची कुलकर्णी साम टीवी पुणे.